तो दोस्तों, धरती को छोड़कर अंतरिक्ष में रहने का सपना इंसान कई सालों से देखता आ रहा है और आज की टेक्नोलॉजी में हम ऐसा कर पाने के बहुत ही करीब हैं। हम आपको पहले भी 5 ऐसे तरीकों के बारे में बता चुके हैं जिनसे हम अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों या चांदों पर रह सकते हैं। और आइए आज जानते हैं 5 और ऐसी टेक्नोलॉजी जिनके बारे में सोचा गया है ताकि इंसानों की बस्तियाँ धरती के बाहर भी बसाई जा सके। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी। नंबर 5, आपको ये जानकर हैरानी होगी, इंसान सिर्फ दूसरे ग्रहों और चांदों पर ही नहीं पर अंतरिक्ष में घूमती उल्काएं यानी कि एस्ट्रॉइड पर भी इंसानी कॉलोनियां बनाने का प्लान बना रहा है। अंतरिक्ष में घूमती उल्काएं महंगे मेटल जैसे कि प्लूटोनियम और टाइटेनियम से भरी होती है, इसीलिए पहले तो एस्ट्रॉइड पर माइनिंग कॉलोनियां खोली जाएंगी जिनके द्वारा हम उस उल्का पर मौजूद सारे महंगे मेटल निकाल लेंगे और फिर उल्का के खाली होने पर हम जमीन के अंदर इंसानी कॉलोनियां बना सकते हैं। नंबर 4, चांद पर कॉलोनियां। इंसान अगर धरती से बाहर रहने की सोचे तो दिमाग में सबसे पहले चांद ही आता है। नासा तो चांद पर बेस बनाने की कई सालों से सोच रहा है। पहले सोचा गया था कि चांद पर मौजूद कई अंडरग्राउंड गुफाओं में बेस बनाए जाएंगे, पर अब चलते फिरते बेस बनाने का आइडिया सामने आया है। चांद की कॉलोनियों का चलता फिरता रहना जरूरी है क्योंकि चांद पर रात 14 दिन तक की होती है, जिसकी वजह से चांद पर रखे इक्विपमेंट्स को चार्ज करने के लिए सूरज की रोशनी नहीं मिल पाएगी और साथ ही साथ ठंड भी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए ऐसे बेस बनाए जाएंगे जो सूरज की रोशनी के पीछे पीछे चांद का चक्कर मारते रहे। नंबर 3, मरकुरी। सूरज के सबसे पास का ग्रह आदमी के लिए खतरनाक हो सकता है। मरकुरी का तापमान 420 डिग्री रहता है और वहाँ का एक दिन भी धरती के 176 दिन के बराबर होता है, पर चूंकि मरकुरी बहुत ही धीरे घूमता है इसलिए लंबे दिन अच्छी बात भी हो सकती है। अगर एक चलने वाली सिटी बनाई जाए जो हर पल सूरज की रोशनी के ठीक पीछे चलती रहे तो मरकुरी का तापमान भी करीब करीब धरती जैसा ही होगा। इस कॉलोनी को प्रेशराइज तरीके से बंद रखना पड़ेगा ताकि वहाँ ऑक्सीजन और पानी को मिला के एक अंदरूनी वातावरण बनाया जा सके। नंबर 2, सीरस। मार्स और जुपिटर के बीच में है एक बौना ग्रह जिसका नाम है सीरस। वैसे तो अंदर से ये ग्रह पत्थर से भरा हुआ है पर ऊपरी परत बर्फ से भरी हुई है, इसका मतलब उस पर जीवनदायक पानी है। ये परत 100 किलोमीटर मोटी है तो इसे काटना तो असंभव होगा, पर ऐसा सोचा जा रहा है कि उसके इर्द गिर्द बड़े शीशे लगाए जाएंगे जो सूरज की रोशनी बर्फ पर मोड़ कर उसे पिघला देंगे जिससे भाप बनेगी और हो सकता है धीरे धीरे वहाँ धरती की तरह वातावरण भी बन जाए। नंबर 1, मार्स पर कॉलोनी बनाने का प्रोसेस तो चालू भी हो गया है। स्पेसएक्स कुछ ही साल में हर 26 महीने में मार्स तक और मार्स से शिप भेजना चालू कर देगी। अभी ये कॉलोनी कैसी दिखेगी इसके बारे में खुलकर नहीं बताया गया है, पर अंदाजा ये है कि वो MIT के एक प्लान रेडवुड फॉरेस्ट जैसा होगा जिसमें बहुत बड़े बड़े डोम नुमा आकार बनाए जाएंगे जो जमीन से आपस में जुड़े हुए होंगे। जमीन के और नीचे सुरंगे बनाई जाएंगी जो मार्स के अंदर भरे पानी को बाहर निकालेंगे। इनमें से कुछ पानी खेती और पीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी ऑक्सीजन बनाने और वहाँ आर्टिफिशियल वातावरण बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। ये प्लान इतनी तेजी से चल रहा है कि हो सकता है कि आप अपने मरने से पहले इन कॉलोनियों को देख पाए। काश हमें धरती के बाहर जाने का मौका मिलता। वैसे अगर आपको धरती छोड़कर अंतरिक्ष में कहीं और रहने का मौका मिलेगा तो क्या आप रहना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी।